हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि क्लास टेंथ का है, मैथ्स का, सर्कल्स वाले चैप्टर से, जो कि क्लास टेंथ का है। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है मैथ्स का, सर्कल्स वाले चैप्टर से, जो कि क्लास टेंथ का है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ कट्स अ लाइन थ्रू ओ एट क्यू। तो यहाँ हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर है ओ और टेंजेंट है जो कि सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट पी। तो ओ जो है वो टेंजेंट पे, टेंजेंट वाली जो लाइन है उस पर क्यू पॉइंट पे मिल रहा है, क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है उसे। ओ जो है क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है टेंजेंट को, सच दैट पी क्यू की लेंथ है 24 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है रेडियस। अब हम रेडियस को आर मान ले रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए पहले हमें सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल में हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस लेनी पड़ेगी आर, और फिर बनाना पड़ेगा हमें टेंजेंट, टेंजेंट जो कि उस सर्कल के एक पॉइंट से छूकर जाए, उस सर्कल के किसी एक पॉइंट को छूकर जाए। तो यहाँ से हम टेंजेंट बनाएंगे। तो टेंजेंट बनेगा पी क्यू, जहाँ पी क्यू की लेंथ जो होगी वो होगी 24 सेंटीमीटर और एक पॉइंट होगा क्यू, क्यू जो होगा उसे हम ओ से मिला देंगे। तो ओ क्यू की लेंथ जो होगी वो होगी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा ओ क्यू जो है वो हाइपोटेनस है, और पहली बात ये हमारे ओ पी क्यू जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है सेंटर, सर्कल के सेंटर के, सर्कल के सेंटर के परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट। तो यहाँ हमारा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ हमारी पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन में हमें गिवन है पी क्यू, जो कि हमारी बेस है 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ओ पी जो कि हमारी रेडियस है जिसे हमें निकालना है, और ओ क्यू जो कि दे रखा है हमें इक्वल 25 सेंटीमीटर के। तो अब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होती है बस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे हाइपोटेनस है यहाँ ये ओ क्यू जो कि इक्वल है 25 सेंटीमीटर के, ये है हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर है आर, रेडियस, रेडियस परपेंडिकुलर है यहाँ, और पी क्यू जो कि इक्वल है 24 सेंटीमीटर के वो है बेस। तो यहाँ हम पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो हमें मिल जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576। तो आर स्क्वायर आ जाएगा इक्वल 49 के, तो R इक्वल आ जाएगा 7 के। तो यहाँ हमारी रेडियस 7 के इक्वल आ गई। तो यही हमारा आंसर है, रेडियस इक्वल टू 7। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि फाइंड द रेडियस। तो इसी के साथ जो हमारा आंसर है वो ख़त्म होता है और वीडियो भी ख़त्म होती है।